इनकी भाई एक बार ट्रेनिंग रहेगा, सर्टिफिकेट दे। तो मुंह तो निजे सर्टिफिकेट फाड़ दी छी, भरी महफिल ने फाड़ दी छी सर्टिफिकेट, कने सर्टिफिकेट और डिग्री ही हम पाई बहुत बड़ा ब्लॉक छी। राजीव भाई बोलते थे लेकिन था राजीव भाई बोले सो तो बोल ही होला। अच्छा सेकंड रहला साइलेंट करते जे लोक कहते आम को ट्रेनिंग थोड़े दे दियो, आम जीव आ घरे ताड़ी मोरिक ओल्ल द्वारा कहार फायदा हबार अच्छे तम पर्सनाल तम स्वार्थ पाई तम कल कोईपुर क्लीनिक खोल उल्लू पाथी वाला लुटुच तम नजर पाथी वाला लुट नजर पाथी वाला नेचर पाथी वाला रोजगार करी रोजगार न कले मोर कह मान है तू ऑन द टाइम ऑफ पढ़ा तू रोजगार कर तो एठ गलापर ताड़ी मोड़ी उल्टे मोर उपर जाए आसे ना बुझे डे फर्स्ट प्रथम मसरे तोर रोजगार हो जा कथा इफ यू आर नॉट प्रोडक्टिव इन फर्स्ट मंथ देन यू आर नॉट प्रोडक्टिव इन लाइफ लॉन्ग उपर जाए गोटे चाकर नकर मानसिक गुलामता आस तो प्रथम मसरे ही रोजगार क्षम होगा कथा ना। अच्छा जेनराली ठीक अच्छे चलो केवे करिनो मंडा पिठा तेणु मसे चलो चार मास टाइम देली ये जब तक ट्रेनिंग नहीं जी तब तक गुरुजी गुरुजी गेट बाहर को गला पर सारे सुरुजी सुरुजी बुझे हुजे ना तनो जितने ही आ छे मु गजा शिविर कर रोगी सेवा कर प्रैक्टिकल कर किया रिपोर्ट नहीं किया मु जे तोले नेचुरोपैथी सिकुतली मोर सेकंड गुरु नेचुरोपैथी रो मरी गलेनी नाहंती ठीक अछि रायपुर रे प्राकृतिक चिकित्सा तंगरो निजर पर्सनल हॉस्पिटल था रोगी मरिवा पई 25 मिनट खंडे बाकी अछि कहले पंडा जी वहां बैठिए और उसको देखिए बोले क्या देखना है मर जाएगा बोले यही तो देखना है कैसे मरेगा बोले क्या है सांस बंद हो जाएगा मर जाएगा इधर आओ ये थप्पड़ खींच ठीक है जी। तो बोला बहुत कुछ होता है और इसी को समझ जाओगे तो स्वास्थ्य को समझ जाओगे जाओ चुपचाप बैठना और पूरा मेडिटेटिव वे में देखना मर कैसे रहा बसली भेजा चाहिए भेजा चाहिए ओके तेणु ये जो गुह्यात गुह्यतरम विद्या किए दबो यदि तुम साधना नहीं मु आसिक कहीं बसली जे जस्ट आफ्टर जोग निद्रा यू स्टार्ट टॉकिंग विद ईच अदर जोटा की सब खतरनाक काम अटे You just, you know, play with your internal life energy. मृत्यु बराबर काम करछ तनो जोग निद्रा सरीला अप टू 5-10 मिनट कथा वार्ता करियो यू फील दैट आनंद ब्लेस शांति रिलैक्सेशन एंड यू फील ए न्यूलीनेस व्हाट इज कॉल्ड न्यूलीनेस The feelings of astonishment, feelings of, you know, ascharya bhava. What is the difference between mooch wala and pooch wala? Ek chota bachcha aur aap mooch, kya difference? Aap mar gaye ho, jinda laas, wo jinda hai. Kyun? Kyunki aap dekhna dur se bachcha ko, wo kya karta hai? Any new thing or old thing? Look at it, a very, very ascharya bhava. No, you get lips also. Tame se lips uthebo nahi. Se choto chua ko bhi chhad diya jiyo na, pahunchi jiyo sitting. And usko face mein camera lagao, aur dekho ki kya kya parivartan aa rahe. Kya ho gaya? Us patra ko, dekho main keh raha hu, aur ek ek rongte khade ho rahe. Because I feel that. Aapko kuch nahi lagega. Mera ekdam sihrit ho raha hai ek shabd se. Ki wo bachcha patta ko एक नूतनता के भाव से देखता है जिसको कि आप रोंद के चले जाओगे जिस तरह आपका ध्यान नहीं है क्योंकि वहां से पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि उसमें कोई स्वार्थ नहीं है लेकिन
वो बच्चा को कोई मतलब नहीं है, पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, इसका सिर्फ मेरा जीवन का कोई महत्व है नहीं है, हमारे अंदर नहीं है। तो आप योग निद्रा करके आए, कोई बोला मुंडो खाली लागू छी, कोई बोला और कुछ, कोई बोला और कुछ, अरे बोलना नहीं है रे, उसे अनुभव करना और उसको निकल जाओ वहां प्रकृति में, एंड ट्विन विद द नेचर्स, ब्यूटीफुल नेचर्स, एक एक पत्ता को फील करो, एक एक पेड़ को फील करो, वो जो पेड़ है उसका स्किन साड़ा गच्छ है ना, 150 वर्ष पुराना साड़ा गच्छ, आप उसका देखो जाके क्या ऐसा कैसे स्किन हो गया एक फूल को, यू जस्ट डीप इनसाइड दैट फ्लावर, आश्चर्य भाव। तो वो उस समय क्या होता है, योग निद्रा में सबसे बड़ा खतरा क्या है, आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड शिफ्ट करना चालू करता है, समझ में आ रहे हैं, आप इधर संकल्प करके उठे हो कि मेरे को मेरा विशाल गुरुकुल हो जहां पर कम से कम करोड़ों बच्चे अध्ययन करें, देशभक्त बने और शस्त्र शास्त्र धारकम भवतु भारतम बने, और 10 करोड़ बच्चों का आप संकल्प कर रहे हो कि इतना बड़ा गुरुकुल जहां पर हर एक बच्चा का एक गाय, मतलब 10 करोड़ गायों का गुरुकुल, 10 करोड़ बच्चों के लिए हवन कुंड, विश्व शांति, मतलब यहां हवन हो तो चंद्रमा में कोई हो तो दिखाई दे कि यहां गुरुकुल का हवन कुंड है और धुआं उठता रहे, 24 घंटा हवन का शक्ति हो, अग्निहोत्र का हो, सिद्ध साधना यहीं से, सिद्ध साधना और यहीं से तंत्र प्रयोग करके वो चंद्रमा को भी हटा सकते हैं। तो वो महाशक्ति का जागरण, अब इमेजिन करो 1000 बच्चे मेरा फील्ड में खबड़ा होके तलवार चला रहे हैं और तलवार का आवाज आ रहा है, तो आदमी रुक के जाएगा, द साउंड ऑफ ब्लेड, द साउंड ऑफ नेकेड ब्लेड, एक फिल्म है देख लेना, मार्शल आर्ट फिल्म है, कि तलवार चलाते हैं और वो साउंड क्या होता है, समझ में आ रहा है, और वो बच्चे हमारे धनुष तीर चलाते हैं, वो बच्चे पिंत बिना बंदूक में तुम 100 आदमी को मार सकते हो विद इन ए मिनट, बिना बंदूक में कुछ लोहे का पिन से 100 आदमी को 60 मिनट के अंदर खत्म कर दोगे, 60 सेकंड के अंदर। तो उस लेवल का सुपर फाइटर बनाना है गुरुकुल में, कमांडो का बाप, बिना बंदूक में कमांडो को मारने वाला, कमांडो मारना हमारा लक्ष्य नहीं है, मतलब उनसे भी पावरफुल बनाना, इस देश के लिए महासैनिक महाशक्ति का निर्माण करना, क्योंकि हमारे जो कमांडो और कथाकथित सैनिक और आर्मी और ये जो भी देख रहे हो सब ढकोसले हैं, जर्सी गाय का दूध बॉयलर मुर्गी खा खा के, बॉयलर बकरा खा खा के, गाय गोरु भैंस खा खा के, वो कुरकुरे अंकल चिप्स हॉर्लिक्स खा खा के, इनके अंदर कुछ है नहीं, ये 2-4 फाइट होगा औकात पता चल जाएगा, जो डिंग हाँक रहे बड़े बड़े ना, और उससे पहले हमें देश का महाशक्ति को खड़ा करना है, क्योंकि कल ये लोग हारेंगे तो पीछे से ये बैकअप देंगे, क्योंकि जिस दिन युद्ध होगा उस दिन खाली पाकिस्तान से नहीं हो जाने वाला है, उस समय एक साथ चाइना भी अटैक करेगा और ये भी अटैक करेगा और 2-3 जो हमारे शत्रु राष्ट्र हैं दूर से वे भी अटैक करेंगे, और उस समय याद रखना आने वाला युद्ध कोई शारीरिक युद्ध या कोई एटम बम या कोई तुम्हारा रॉकेट वॉकेट और मिसाइल से नहीं होने वाला है, यहां से होने वाला है, और इसके ऊपर जितना रिसर्च विदेश कर रहे हैं हम नहीं कर रहे हैं, यहां बैठे बैठे तुम्हारा रॉकेट को ही मोड़ देंगे, यहां बैठे बैठे मिसाइल को मोड़ देंगे, बहुत महातंत्र शक्ति का ताकत है, केवल ध्यान के माध्यम से मोड़ा जा सकता है और मोड़ा गया है, चाइना के साथ एक बार हम तंत्र में जीते हैं, अमेरिका का भी दिमाग खराब हो गया कैसे चाइना के साथ जीत गया बोल के, हालांकि चाइना बैटल हम लोग हारे थे, लेकिन बहुत सारा हिडन फाइल्स है जिसको मैं डिस्क्लोज करना नहीं चाहूंगा। तो इसलिए वो जो महाशक्ति का समंदर इस देश का महान रक्षा के लिए जो आवश्यकता है उसको निर्माण करना, आप उसके लिए संकल्प किए हो, आप अपने सबकॉन्शियस में फिड कर रहे हो कि गुरुकुल मेरा नहीं है, कल मरने के बाद मैं लेके जाऊंगा, मेरा बाप आएगा पढ़ने यहां, नहीं इस विश्व का कल्याण के लिए कर रहे हैं। तो जब आप योग निद्रा कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, सबकॉन्शियस में फिड कर दिए, और जहां आप बातचीत कर दिए तो आप इमिडिएट क्या कर रहे हो, सबकॉन्शियस से आप कॉन्शियस में शिफ्ट नहीं हुए हो, योग निद्रा खत्म होते होते आप सबकॉन्शियस से कॉन्शियस में शिफ्ट नहीं होते हो, टाइम लगता है, तब तक भी साइलेंस, भाग जाओ उठ के, भाड़ में जाए लोग, आप बाहर चले जाओ,
या बीस आए कोई बात करना कुछ इधर उधर नहीं सुनना। अच्छा उस समय बहुत अच्छा गीत भी बजा, बढ़िया बात। आप समझो मैं इतना चैलेंज गुरुकुल के नाम पे क्यों ले रहा हूं, मेरे पास क्या है तो बहुत विधाएं, लेकिन पहला विधा है योग निद्रा। अब देख रहे हो बच्चे लोग इधर कर रहे हो, कर रहे हो उधर सोए उधर बैठे, मैं कोई फिक्र नहीं है, अरे सिविल टाइप क्यों नहीं हो रहा है, घंटी बजा के क्यों नहीं करो, नहीं लेट देम रिलैक्स। मैं बोलता हूँ मेरे साथ सो जाएंगे, सारा पढ़ाई ट्रांसफर कर दूंगा 15 आधा घंटा 2 घंटा के अंदर, इनको पढ़ना नहीं है, इसीलिए टेम्पर प्रॉब्लम है। वो इस लेवल पे ले जाएंगे कि किताब ऐसे पलट के देखेंगे और सारा किताब पेट के अंदर। मेरा 5 क्लास का लड़का मैट्रिक का एग्जामिनेशन लिखेगा, उस लेवल पे लेके जाना है। ऐसा नहीं है वो पढ़ा कि नहीं, नंबर लाया कि नहीं, 5 क्लास में 90% लाया कि नहीं, भगाता हूँ गधा फक शिशु मंदिर इधर मत बैठा, भगाते एकदम सर्टिफिकेट लेकर हटाओ। सेटा प्रैक्टिकली कोरी होनी ना, नहीं क्यों नहीं होगा, कमिटी हो बाबू को ना, अरे क्या है जब हम समिति कोरी जदी तब डाको तो एकदम हुए हैं। अब मैं ऐसे कई सारे पेरेंट्स को बात बता दूं, बात आपके साथ करवा सकता हूं, जो लोग पहले पहले तो मेरा घोर विरोध किया और बच्चा निकाल के ले गए, लेकिन उसके बाद वो 1.5 साल 2 साल 3 साल के बाद उनको समझ में आया बात, वो डाउन हो रहे और वो मेरे पास नहीं डाउन नहीं बोला, सर आपका जो गुरुकुल में 1.5 2 साल छोड़े थे उसका परिणाम आज समझ में आ रहा है और हमें माफ कर दीजिए, आप गुरुकुल में ले लीजिए। बोला आप नहीं ले सकता, वो गया पत्ता गिर गया नहीं जुड़ सकता। बोला मार्बल से जुड़, अभी भी फोन करो अभी भी लगा के बात करा दूंगा। बोला मार्ब जो लड़का स्कूल में 3 साल 4 साल पढ़ा मैं कॉलेज स्कूल में, दिस इज नॉट 10% रिजल्ट, वो मेरे पास आया, मेरे पास जब रहा कोई रिजल्ट नहीं निकाल पाया, ठीक है क्योंकि मैं बहुत स्ट्रिक्टली रहे, मेरे को तो उसका बाप अगर बोलेगा 30% क्यों लाया तो बोला मुझे परसेंटेज से कोई मतलब नहीं है, बट वो जब नेचुरल प्रोसेस में चला जाएगा तो वो किताब को तो चुटकी में याद रखेगा। बोला सर बहुत अच्छा हुआ आप जो बोल रहे थे 100% अच्छा बोल रहे थे, उस समय आपके साथ हम लोग झगड़ा कर रहे थे बाइज्जत आके झगड़ा, अरे वो सना जी और शिशु मंदिर रहती के परसेंट अपने मुंह पकड़े छाड़े लिया, अपने बड़े बड़े कथा कह ली, मैं चुप क्या करूं। मैं बोला देख अगर रासायनिक खाद डाल दो ना तो गच घाव घाव पड़ेगा लेकिन उसका प्रोडक्टिविटी आगे चल के खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं जो प्राकृतिक खाद दिया हूं एक ना एक दिन तो आओगे जरूर, और आया 3 साल के बाद। बोला सर मेरा बच्चा सही में बाकी बच्चों से पूरा स्कूल पूरे स्कूल के बच्चे एक तरफ और ये एक तरफ। बोला क्या हो गया। बोला सर स्मार्टनेस, सर किसी भी विषय को समझने का कोशिश करता है रटता नहीं, ये शब्द बोला के सर समझ के 90% आ रहा है, हम कोई ट्यूशन नहीं देते बच्चे को, यानी जो उसका कैपेसिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू कैपेसिटी ऑफ ग्रैप्सिंग द सब्जेक्ट वो दूसरे बच्चों से अच्छा है। ये एक माँ बाप नहीं बोले हैं, मेरे से करीब करीब 150 माँ बाप ऐसे जो छोड़ के गए थे उनमें से 80 माँ बाप ये रिपोर्ट दे चुके हैं मेरे को। इट इज प्रैक्टिकल, वो एजुकेशन सिस्टम गया अभी एजुकेशन सिस्टम सो के सो पढ़ो, और इससे बड़ा रिजल्ट क्या हो सकता है। स्वामी निरंजन जी महाराज 14 साल तक जो लच्चा स्कूल नहीं गया, जो बच्चा भैंस के ऊपर बैठ के भैंसा चराता था, जो बच्चा 14 साल से अक्षर ने अक्षर ज्ञान जिसके अंदर नहीं था, समझ में आ रहा है ना। अब पणकिया कितना याद रखे हो, कितना पणकिया याद रखे हो, 10 बार 10 बार अभी आपको 23 को दे दूं याद कर दोगे, कर दोगे रट रट के, लेकिन जिंदगी भर याद नहीं रख सकते। कुछ दिन के लिए याद रखोगे तो बैंक मैनेजर साहब बोलेंगे चलो हम आपको लाख रुपया देते हैं चलो रट के दे दोगे, लेकिन वो आपका लाइफ नॉलेज नहीं होगा, बस समझ में आ रहे। लेकिन अब देखो उम्र क्या हुआ आपका 30, कब रटे थे 12 को पढ़ किया 1 से 12 या 13 बचपन में, कब जब पिनल ग्लैंड एक्टिवेट था उस समय जो कुछ याद रख सकते हो, अभी आपको लाख कोशिश किया जाए और नहीं होगा, इसलिए जो बोलते हैं जाए नहीं बाड़ो काले ताकि वो, तो वो है रटने का टाइम, वो याद नहीं पूछेगा। बट जो मुझे क्या चाहिए था अंडरस्टैंडिंग, 3D फिल्म बता क्या रहा है, अंडरस्टैंडिंग में क्रिएट क्रिएटिविटी, वो सृजनात्मक विकास का आवश्यकता है। मुझे बच्चों को रटा के 10 नंबर लाना कोई मकसद नहीं,
सृजन का विकास है। समझ में आ रहा है? सृजनता मीन्स क्रिएटिविटी, कुछ नया करना। जैसे आमिर खान एक स्कूटर में क्या बनाया है, स्कूटर स्टार्ट करने से क्या बनता था वो फिल्म में लास्ट में देखना, लास्ट सीन गेहूं का आटा निकल रहा है, गेहूं का आटा निकल रहा है, जो स्कूटर गिरा हुआ है उसको ना मैं लाके, इसलिए मैं स्कूटर फेंकता हूँ, बच्चे तोड़ते हैं मोड़ते हैं फेंकते हैं, देख लेना कोना में गिरा है एक स्कूटर मेरा, जहाँ स्वास्थ्य गुरुकुल का लिए घर बनाया, ऐसे बहुत सारे गिरा है, फेंके तोड़े ढूंढो उसके अंदर। तो वो सृजनता का अवश्य मुझे नंबर मार्क फर्स्ट डिविजन आई ग्रेडेशन सर्टिफिकेट डिग्री नहीं चाहिए, इसलिए मेरे पास आदमी नहीं हो पाए, पर मैं उसके लिए दुखी नहीं हूं, बहुत खुश हूं। मैं खुश इसलिए हूं कि जिसके कारण मैं अपना सबसे ज्यादा समय ध्यान साधना पे लगा सकता हूँ, योग निद्रा साधना पे लगा सकता हूँ, भवन सावा साधना में लगा सकता हूँ, मेरा जाप में लगा सकता हूँ। बहुत अच्छा, आज उस समय मुझे बहुत दुख लग रहा था, इतना पोस्ट इतना पोस्टर इतना पंपलेट इतना बैनर इतना लोगों को कोशिश किया, लोग आए आए और भाग्य नहीं रहे, और उसके लिए मैं दुखी रहता था। आज देखा हूं बहुत अच्छा हुआ चेला नहीं बनाया, बेटर है, क्योंकि मेरा ज्ञान लेके हो सकता है आदमी गलत कर सकता है, और मैं क्योंकि सबको खुल के दे देता हूं और गलत किए हैं, ऐसे भी मेरे पास शिष्य हुए मेरा तंत्र विज्ञान लेके मुझे तंत्र में ठोक दी, ठीक है। और गुरु का सबसे खतरा चीज होता है चेला, इसलिए बहुत अच्छा हुआ कि चेला नहीं बनाया, क्योंकि वो सब जानता है। सर अगर ऐसा सोचा जाए तो फिर गुरु कभी चला नहीं बन पाएगा, या शिष्य नहीं बन पाएगा, या शिष्य कभी किसी गुरु को भी नहीं बना पाएगा। मैं इसीलिए कभी कोई पैर छुआ तो भगाता हूं, एकदम मेरा मैं कोई नहीं छूने देता हूं, और मुझे गुरुजी मत बुलाओ, आई एम योर जस्ट संजय जी, आई एम नॉट गुरुजी, यस यू लाइक आई, एंड मैं सारा बात को जितना हो सके सीक्रेट रखता हूं, नहीं रखता था, एक्सपोज करता था, लेकिन वो मुझे बहुत बड़ा ज्ञान मिल गया कि अब और नहीं देना, और देना है ना तो ठोक पीट के देना है, 100 उपयुक्त पात्र को देना है, एक बनाओ, क्योंकि मुगलों से जीतने के लिए 1000 मेंढा छेला नहीं चाहिए, एक शिवाजी चाहिए, समझ में आ रहा है, एक शिवाजी काफी है गुरु रामदास के लिए, एक चंद्रगुप्त चाहिए चाणक्य के लिए, मुझे इसलिए लाखों का कोई कीमत नहीं है। वो यार कल से बोल रहे जाग गेट आउट, भाग जल्दी, क्या करना, क्योंकि मुझे पता है आज नहीं तो कल मेरा चंद्रगुप्त मुझे मिल जाएगा। कृष्ण को ज्यादा नहीं था, एक अर्जुन चाहिए, इसलिए भीड़ से कुछ नहीं होने वाला है, एक और वो एक मिल गया ऐसा था, डोंट वरी फिर से करके हाँ चल जाएगा गेम आगे। मैं ये कह रहा हूं इतना सारा बात यहां उठने के पीछे, आप हमेशा ये इतना बड़ा व्याख्यान जो दे रहा हूं उसके पीछे एक ही है बात मेरा, बी कॉशियस इन योग निद्रा। और मैं YouTube में योग निद्रा के बारे में जितना ज्यादा सीक्रेसी डिस्क्लोज किया हूं, कोई एक आदमी उतना नहीं किया जितना मेरा ऑल ओवर योग YouTube में योग निद्रा के बारे में जितना टॉक्स है। कोई गुरु कोई बाबा माबा काबा टाबा साई बाबा भाई बाबा अनुकूल चंद पति कुल दयानंद शिवानंद गदानंद घोड़ानंद बेटानंद बकरानंद से लेके एयरटेल बीएसएनएल एयरसेल आइडिया वोडाफोन कोई कंपनी इतना बात नहीं बोला। मैं जितना डीप सीक्रेट बात योग निद्रा के बारे में लेके बोला, नहीं करना चाहिए डिस्क्लोज मुझे पता है, लेकिन उतना तक कहा हूं जितना लोगों के लिए उपयोगी है। जैसे ये बात अभी कह रहा हूं आपको, आफ्टर योग निद्रा, योग निद्रा पूर्व तक आप लोग बात कर रहे थे चलेगा, आफ्टर योग निद्रा 10 मिनट तक नहीं बात, 10 मिनट तक बातचीत एकदम मौन, तब वो आपको रिजल्ट रहेगा।